हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र ब्रांच। जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PGBHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है, 10 AM और 5 AM पे क्लासेस होती हैं एज़ फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड सर की, रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए। उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन इज केप्ट इन द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सो दैट, ऑप्शन ए, करेंट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिफ्लेक्शन, बी है अ रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, सी है कॉइल इज सेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर क्यों रखा जाता है आयरन के पास? टू रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। क्यों रखा जाता है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन वन का बी, दैट इज अ रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अलॉन्ग सोलिनोइड ऑफ हैज 200 टन पर मीटर सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करेंट कितना 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें निकालना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, राइट? सो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वी नो दिस थिंग ना, ठीक। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट की है 4 पाई इंटू 10^-7 रख देंगे। एन कितना दिया हुआ है? एन दिया है 200, इसको मीटर में चेंज करेंगे, पर सेंटीमीटर दिया है हम लोग, इसको मीटर में चेंज करेंगे 200/10.2 और आई दिया है 2.5। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 6.28 × 10^-2, दैट इज बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी से था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.05 मीटर एंड 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंटर आर इन रेशियो 8:1, द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो इसमें हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, ओके? तो निकालते हैं हम लोग। सो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई कैपिटल एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पार 3/2। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग बी वन और बी टू का रेशियो निकालना है, तो बी टू भी ऐसे ही सेम चीज नीचे लिख लेंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ऊपर का भी कैंसिल, हमारा सिर्फ क्या टर्म बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पार 3/2, ठीक। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो दिया है हमें 8:1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स 2 का स्क्वायर की पार 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर गया ना तो ऐसा हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स 1 का स्क्वायर की होल पार 3/2, ठीक। अब हम लोग एक्स 1 एक्स 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये दी गई है, इसको पुट करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू आई थिंक आप लोग निकाल लेंगे, बहुत इजी सा है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हमारा आएगा, मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 0.1 मीटर। बस इसमें अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं अच्छी है तो प्लीज़ अच्छी कर लीजिए, एग्ज़ाम है,
एग्ज़ाम सर पे ही ऑलमोस्ट आने ही वाला है, मई लग चुका है, जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करेंट आई, इट इज बेंट फर्स्ट ऑफ अ फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन ऑफ 110, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय सेम करेंट इज ऑप्शन ए 4 times ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू, ऑप्शन बी हाफ ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू, ऑप्शन सी अ क्वार्टर ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू, डी इज अनअल्टर्ड। तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा, इसमें हम लोग को पहले देखना पड़ेगा, हम लोग निकालेंगे कैसे इसको, इसका आंसर। चलिए करते हैं पहले इसको हम लोग, तो हम लोग बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, इन केस ऑफ कॉइल हम लोग ने क्या पढ़ा है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, ठीक। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई टू डॉट एन आर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। सो हम लोग क्या यहाँ पे, हम लोग को निकाल, हम लोग यहाँ पे रेशियो लेते हैं बी टू बाई बी वन का, तो उसमें ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एन वन एन टू आर वन आर टू, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी टू बाई बी वन इक्वल्स टू एन टू आर वन अपॉन एन वन आर टू, लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, बी टू बाई बी वन का रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पाई आर वन लिख सकते हैं, एन टू बाई एन वन क्या दिया, कितनी बार लूप बनाया गया, 2 times, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा आर वन इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर, क्या आ जाएगा आर वन इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर, जब हम वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी टू इक्वल्स टू 4b1, दैट इज द आंसर इज इट इज 4 times ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू। बहुत ईजी से है, बस आपको जो कॉइल का फॉर्मूला है उसको लगाना है और एक्सप्रेशन निकाल लेना है, ठीक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फिर से देखिए वीडियो, ट्राई करिए, आएगा ज़रूर ये क्वेश्चन, तो अच्छे से प्लीज़ देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लोग नहीं कर पाते और फिर रैंक नीचे चली जाती है और फिर आपको पता है कि आपको कैंपस जो भी चाहिए होता है वो नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए द चार्ज ऑन द पार्टिकल, बी द मोमेंटम, सी द एनर्जी एंड डी द इंटेंसिटी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये पूछा गया है, ठीक। किस पे डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर हमेशा डिपेंड करती है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 0.4 D, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 R इज। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी से, ध्यान से देखना, यहाँ पे B की वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला लगाएंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 pi R, B की वैल्यू दी गई है 0.4, ठीक। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, अब देखो R की वैल्यू क्या है, 2 R, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में, वैल्यू रखेंगे हम लोग बेटा, तो आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 pi 2 R, ठीक। ये किसके इक्वल है, ठीक। अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi R। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है इसकी वैल्यू, 0.4 T, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 0.4 T, लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लिए, आंसर आएगा 0.2 T। बात समझ में आ रही, सामने माय चक्कर है, बस मैंने आर की वैल्यू रखी 2 pi R की जगह और हमें थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर आ गया।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आते हैं मैग्नेटिज्म में थोड़े से और डेप्थ के क्वेश्चन. कह रहा है अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डज इट एक्सपीरियंस. एक बार मैग्नेट रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स टॉर्क या फोर्स टॉर्क दोनों या कुछ नहीं. सो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, ओनली टॉर्क. ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है इफ मेटल इज वीकली रिपल, इट्स नॉट वीकली, इट्स यहाँ पे ए आएगा वीकली रिपल्ड बाय अ मैग्नेट, देन द मेटल इज एक्सपेक्टेड टू, मतलब बहुत कम, बहुत जरा सा रिपल कर रहा है मैग्नेट से, तो वो कैसा सब्सटेंस होगा, फेरो मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक. सो वो सब्सटेंस होगा पैरा मैग्नेटिक. पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेट. ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट. उस जगह एंगल ऑफ डिप क्या होता है जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होता है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 45 डिग्री. जब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हो तो कौन सा एंगल बनेगा, ये पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 8 सेकेंड. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक कंपोनेंट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट मैग्नेट. सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको अगर आप मुझे करके बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे होगा. ओके अगर आपको हिंट चाहिए तो मेरे को बताइए, फिलहाल मैं आपको हिंट दे देती हूँ. इसका इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन पी एम बी. अगर ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपको मैग्नेटिज्म पूरा तैयार है. ओके ये फॉर्मूला लगेगा, इस पर आप करके देखिएगा. इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आएगा आपका 4 सेकेंड. ओके सो करके देखिएगा, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.